अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा पहुंचे। यहां बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हमने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है ताकि किसानों को अपने सोयाबीन और अन्य फसलों का उचित दाम मिल सके। इसके आगे उन्होंने कहा कि अभी तक खाने का जो तेल होता था वह विदेश से कम दाम वाला आ जाता था क्योंकि इस पर 0% टैक्स था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जिससे कि बाहर से आने वाला तेल भी अब महंगा होगा और अपने क्षेत्र में जो किसान सोयाबीन या अन्य खाद्य फसल पैदा कर रहे हैं उन्हें भी उनकी फसलों का उचित दाम मिल सकेगा। विदिशा से अजय सिकरवार की रिपोर्ट। चतुर्दशी है और हम सब आनंद से गणपति भगवान की रिद्धि सिद्धि मैया की पूजा कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष गणेश मंदिर विदिशा में भी पूजन और भंडारा होता है जन कल्याण के लिए। सब सुखी रहे, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी भाव से गणेश जी की पूजा हर साल हम सब लोग मिलकर करते हैं। गणेश जी की कृपा सब पर बरसे, उनका आशीर्वाद सबकी जिंदगी में खुशियों के नए रंग लाए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।